यार क्या हाल चाल आप सभी के। अरे यार आप हंसते नहीं, तो चलो यार आज मैं आपको हंसाने आ चुका हूँ। और यहाँ पर देखो यार, रिश्तेदारों ने मिलकर शादी को युद्ध का मैदान बना दिया है। और दूल्हा और दुल्हन की तरफ देखो यार, बहुत मुश्किल से बैठे हुए हैं। पता नहीं यार ये कैसी रस्म है और कहाँ की रस्म है। ऐसे तो यार कोई पिंकी को भी नहीं खींचता, जैसे कि ये पता नहीं किस चीज को खींच रहे हैं। और देखो यार कैसे देर दनादन लगे हुए हैं। दूल्हा और दुल्हन यही बोलते होंगे कि तुम यही कर लो, शादी बाद में कर लेंगे। खैर यार, अगर आपकी शादी हो रही हो और ऐसा कुछ करे ना यार, उसको वहीं पर टपका दो। आपको ऐसा अपनी शादी में कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल शांति पूर्वक अपनी शादी को अंजाम देना है दोस्तों। और यहाँ पर देखो यार किस तरह से ये आपको दूल्हा दिखता है। ये दूल्हा नहीं, ये दुलू है, दुलू। यानी कि ये दूल्हा नहीं, ये मिन्नी दूल्हा है। दाढ़ी ना मूछ आ गई यार शादी करने। रहा नहीं जाता। और जैसे ये माला डालने लगा, तभी यार साली ने खींच लिया, मतलब कि यार मेरी साली नहीं, दूल्हे की साली ने। और आखिरकार दूल्हे ने डाल दी माला और यार हो गई इन बच्चों की शादी खत्म। और चेहरे पर खुशी देखो यार, पढ़ाई लिखाई करने में यार ये शादी कर रहे हैं और अपने बच्चों के साथ ये चारों स्कूल जाएंगे मित्रों। यह देश बदल रहा है। अरे अरे मित्रों आप टेंशन मत लो यार, हो जाएगी आपकी शादी भी। ये बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते यार। बहुत जल्द आपको एक सुशीली दुल्हन मिलेगी और आप यार हंसते खिलखिलाते यार शादी कर लोगे मित्रों। अगर नहीं मिलती तो यार पटाओ बगल वाली पिंकी को, पटा दो। अगर पिंकी नहीं है तो यार ढूंढो उसे। और यहाँ पर देखो यार, मुर्गा पिंजरे में जाने से पहले फड़फड़ाता हुआ भी। और दुल्हन की तरफ देखो, वो बोल रही है कि मेरे दूल्हे राजा जी कर रहे हैं तारा रारा। फिर क्या था, दुल्हन बोली मैं भी कौन सी कम हूँ। वो भी नाचने लगी यार देर नादन। अगर आप भी पिंजरे में जाने से पहले फड़फड़ाना चाहते हैं तो यार नीचे कमेंट करके बताओ। क्या सोच है रे तेरी। और यहाँ पर देखो, ये दुल्हन बोलती है कि मेरे दूल्हे राजा खा ले हमारी शादी का लड्डू खा ले। लेकिन दूल्हा बोलते है कि हम लड्डू नहीं खाएंगे, हम तो कद्दू खाएंगे। यानी कि दुल्हन ने लड्डू नहीं खाया। और जब दूल्हा खिलाने लगा तो दुल्हन भी कौन सी कम थी, बोलती है कि मैं भी नहीं खाऊंगी। लेकिन दुल्हन ने कुतिया कंपनी का गुटखा खा रखा था। फिर क्या था, देखो क्या कर रहा है ये। शर्म है कुछ यार, यही होता है जब दूल्हा कुतिया का गुटखा खा लेता है, मतलब यार कुतिया कंपनी का यार। और यहाँ पर देखो यार, किसने रिश्ता करवा दिया यार इनका। देखो यार दुल्हन कितनी छोटी है, दूल्हा यार बिल्कुल विशालकाय है। अबे दुल्हन तो उसके पेट तक भी नहीं आ रही यार। और तभी दुल्हन माला डालने लगी, लेकिन दूल्हा यार बिल्कुल भी नहीं झुका। दुल्हन बेचारी क्या करती, उसने यार नीचे से ही माला ऊपर फेंक दी। फिर क्या था यार, हो गया वही काम जिसका डर था, माला यार गले में डली ही नहीं। अबे रहने दे मुन्नी, तुमसे नहीं हो पाएगा यार, वो झुकेगा तभी तो माला डाल पाएगी, नहीं तो यार कुछ नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर देखो, इस दुल्हन को यार ये लगता है पगला गई है। देखो यार क्या क्या बोल रही है। अच्छी लग रही हूँ ना मैं, ऑफ कोर्स लहंगा दिखा है मेरा, शर्माऊं क्या? मुझे सूट नहीं करता। सामने खड़ा दूल्हा यही बोलता होगा कि हाँ मुन्नी तुम यही कर लो, पहले शादी का क्या है, शादी तो बाद में होती रहेगी। और यहाँ पर देखो, ये दुल्हन मेकअप वाली के पास आई और बोली कि मेरा मेकअप कर दो, मेकअप कर दो, ताकि मैं बिल्कुल सुशीली दुल्हन बन सकूँ। फिर क्या था, मेकअप वाली बोली कि अभी मैं अभी 3 पुट्टी के बोरे लेकर आती हूँ। फिर क्या था, वाल पुट्टी घुली गई और देखो यार लगाने लगी चेहरे के ऊपर। यार ये आम कंपनी की पुट्टी नहीं थी, ये पिंकी की पुट्टी थी, मतलब कि यार पिंकी कंपनी की पुट्टी। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। देखो यार कर दी है बिल्कुल सफेद, अबे क्या बना दिया ये। पहले यार काफी अच्छी लग रही थी, अब तो यार बिल्कुल अजीब लग रही है। इन्हीं सबको देखकर जब हमारे कोई दूल्हे राजा मेकअप करने लगते हैं तब यार ये होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसलिए मित्रों आप अपनी शादी में मेकअप मत करना, दुल्हन को ही करने देना। कहीं आप भी बोलो कि मुझे भी करो, मुझे भी करो, तब यार आप ऐसे ही दिखोगे। इसलिए मित्रों सतर्क रहे, सावधान रहे, हंसते रहा करो। आप सभी सब्सक्राइब बटन को काला करो यार, उखाड़ फेंको।